मैनपुरी में जनता से वोट की अपील। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। सैफई में धुआंधार चुनाव प्रचार। जिंदा हो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया जिंदा। अदिति को जनता ने पहनाई पगड़ी। आप लगा ले, मिलू जा, आप ही लगा लो, आप लगा लो। ना अखिलेश ना डिंपल यादव, सैफई की जनता ने अखिलेश डिंपल की बेटी अदिति को क्यों पहनाई पगड़ी। अदिति यादव को सैफई की महिलाओं ने पगड़ी क्या पहनाई, ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर अदिति को सैफई में पगड़ी क्यों पहनाई गई। दरअसल 7 मई को मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए मतदान होने वाला है। मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में है, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, लेकिन इस बार मैनपुरी का मुकाबला भले ही डिंपल यादव अखिलेश यादव के उज्जैन से उम्मीदवार घोषित हो जाने के बाद बिजी हो गए हों, लेकिन अखिलेश की जगह शायद उनकी बेटी अदिति ने अपनी मां डिंपल के लिए चुनाव प्रचार की कमान थाम ली है। पहले वो मैनपुरी में जनता से वोटों की अपील करती दिखी। जब अदिति ने पहली बार जनता के सामने माइक थामा और अपनी माँ डिंपल के लिए वोट की अपील की तो उनकी जमकर चर्चा हुई। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय भारत। उसके बाद अखिलेश डिंपल की बेटी बीते दिन सैफई पहुंची, जहां उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपनी मां डिंपल के लिए वोट की अपील की, डोर टू डोर अभियान किया। अदिति यादव के इस डोर टू डोर अभियान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जो दोगुने जोश में दिख रहे थे। अखिलेश की बेटी अदिति के साथ उन्होंने भी जनता से वोट की अपील की और अब सैफई में ही अदिति यादव को महिलाओं ने पगड़ी पहनाई, जिसके बाद चर्चा तेज है कि आखिर जनता ने अदिति को सैफई में पगड़ी क्यों पहनाई। क्या सैफई की महिलाओं ने अखिलेश की बेटी अदिति पर न केवल अपना प्यार लुटाया, बल्कि अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इन महिलाओं ने वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी को एक बड़ा संदेश दिया है। सैफई से सपा को क्या संदेश मिला, इसका जवाब तो अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप इन तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं, महिलाओं और लड़कियों ने अदिति का फूल मालाओं से स्वागत किया, उसके बाद अदिति के सिर पर पगड़ी पहनाई गई। अब किसी को पगड़ी पहनाने का क्या मतलब होता है, किसी भी भारतीय खासकर नॉर्थ इंडिया के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अदिति यादव का अपनी माँ के लिए चुनाव प्रचार किए जाने की चर्चा भी खूब तेज है। अदिति ने पहली बार जब मंच से वोट की अपील की थी तब वो वीडियो जमकर वायरल हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भी अखिलेश की बेटी अदिति की तरफ से चुनाव प्रचार की सूझबूझ की तारीफ कर चुके हैं। तारीफ हो भी क्यों ना, अदिति केवल मैनपुरी लोकसभा इलाकों में घूमी नहीं रही है, बल्कि उन्हें पता है कि किस वोटर को टारगेट करना है। अदिति खासकर महिलाओं को टारगेट कर रही है, ये तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं। उनके बीच जाकर वोट की अपील करती दिख रही हैं, अपने पिता अखिलेश और दादा मुलायम सिंह की तरफ से किए गए कामों को बता रही हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश जिस पीडीए की बात करते हैं चुनाव प्रचार में, उस पर भी अदिति काफी अच्छे तरीके से चर्चा करती नजर आ रही हैं। ऐसे में ये कहा जाने लगा है कि अदिति यादव को शायद अब चुनाव प्रचार की कला की समझ पूरी तरह से आ चुकी है, साथ ही जनता की तरफ से भी उनको काफी समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन ये समर्थन वोट के रूप में कितना बदलता है, इसके बारे में 4 जून को ही मालूम चलेगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।